बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत बचपन से बहुत बार सुनी है, बट इस कहावत का आज रियलाइजेशन हुआ है मुझे। ठीक है, तो वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस प्लेटफॉर्म पे आज बहुत ही स्पेशल डे होने वाला है, और आज बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होगा। सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होगा, टोटल चार अनाउंसमेंट होंगे। ठीक है, तो आज चार बड़े अनाउंसमेंट देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो फोर्थ वाला अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अभी तक की जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड के जितने भी कोर्सेज जितने भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब में से बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस कहानी का क्यों रियलाइजेशन हुआ है, तो पूरे वीडियो देखते जाइए, आपको ऑटोमेटिक पता चलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन चारों अनाउंसमेंट, चार बड़े अनाउंसमेंट करने वाला हूं इस वीडियो में। और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि चौथा वाला अनाउंसमेंट बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जी सेंट्रिक, अ स्टेप टुवर्ड्स अफोर्डेबल एजुकेशन, इस टर्म का मतलब आप लोगों की हेल्प से साकार हुआ है। ठीक है, चलिए वन बाय वन अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला अनाउंसमेंट हमारा, फर्स्ट नंबर का जो अनाउंसमेंट है, पहली चीज तो थैंक यू जी सेंट्रिक मेंबर, जितने भी जी सेंट्रिक के मेंबर से, चाहे यूट्यूब पे है चाहे वो एप्लीकेशन डाउनलोड किए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। क्योंकि आज हमारे एप्लीकेशन के जो डाउनलोड से वो कितने हो गए हैं, 10,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं। 10,000 डाउनलोड्स, 10,000 प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। और आप लोगों की बहुत ही बढ़िया रिव्यू की वजह से 4.6 रेटिंग है। आप सबका बहुत तहे दिल से, सबका बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत दिल से आपने हम लोगों को सपोर्ट किया है। आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे लोग सुन रहे होंगे इस वीडियो को, जिसका जर्नी, जिन लोगों जो हमारे इस जर्नी में शुरुआत से जुड़े हुए, लाइक हमारे टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 सब्सक्राइबर में से होंगे, आप में से बहुत लोग होंगे, क्योंकि डे वन से आप लोगों ने जी सेंटर को सपोर्ट किया है। और इस स्टेज तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। आज 10,000 जो डाउनलोड है एप्लीकेशन पे, ये आपकी वजह से, आपका जो प्यार रहा है जी सेंटर की तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने जर्नी बहुत ही छोटे से स्टार्ट करी है। आप में से बहुत स्टूडेंट इस जर्नी का कहीं ना कहीं, इस जर्नी को आपने महसूस भी किया है, देखा भी है कि किस तरीके से हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत करी थी, धीरे 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 हम लोगों ने एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, धीरे धीरे हम लोगों का, हम आगे बढ़ते गए, आप लोगों का सपोर्ट होते गया और कारवा बनते गया। इसलिए बहुत ज्यादा थैंक यू है। और थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी इस टाइम पे हमारे लिए, क्योंकि ये हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा एप्लीकेशन कभी 10,000 डाउनलोड्स कर पाएगा। क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिन लोगों ने इतना मार्केटिंग कर रखा है, उनका भी हो सकता है डाउनलोड्स इससे भी ज्यादा हो, बट जो प्यार आप लोगों ने दिया है, और हमने जो हमारे अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है आज काम को लेकर, कि क्या 200 रुपए में एक सब्जेक्ट दिया जा सकता है वेल क्वालिटी के साथ। और हमसे जो जुड़े हैं बहुत सारे, जितने भी फैकल्टी मेंबर का भी हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम लोग यहां पे नहीं होते। तो जो भी फैकल्टी हमसे जुड़े हैं, तो देखिए इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग टर्म्स है, तो बहुत सारे फैकल्टी मॉनिटरिंग टर्म्स से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, बट जी सेंट्रिक पे जितने भी फैकल्टी आए उनने सिर्फ मॉनिटरिंग टर्म्स तो ठीक है, अपनी जगह है, बट उनका जो हमें क्या बोल सकते हैं मोरल सपोर्ट रहा है, वो बहुत ज्यादा है। और सभी फैकल्टी ने अपने दिल से पढ़ाया है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इस वजह से थैंक यू जी सेंट्रिक मेंबर, जितने भी लोग, चाहे वो यूट्यूब के हो चाहे एप्लीकेशन के डाउनलोडर है, सबके लिए आज मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। ठीक है, चलिए, रिव्यू बहुत अच्छा है, 4.6 रेटिंग होना, 10,000 डाउनलोड्स पे बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, हम फिर भी देखिए कहीं ना कहीं 5 तो रेटिंग नहीं है ना। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज जाके प्ले स्टोर पे आप रेटिंग दीजिए। और हो सकता है, देखिए क्या होता है कि ऐसा तो नहीं कि नो वन इज परफेक्ट, हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी आपके जो फीडबैक आते हैं उसको लेके बहुत पॉजिटिवली कहीं ना कहीं उस पर वर्क करते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो पहला थैंक यू था, ये अनाउंसमेंट नहीं था, है ना, ये अनाउंसमेंट था नहीं था अनाउंसमेंट। देखिए एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, एप्लीकेशन के बारे में, कि जब भी आप जी सेंटर के ऐप को डाउनलोड करेंगे, वैसे तो आप में से बहुत लोगों को अब आइडिया हो चुका होगा, बट जो नए बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पूरे जी सेंटर ऐप पे तकरीबन तकरीबन सारी ब्रांचेस मिला लें तो 1500 प्लस वीडियो से, पूरे सारी ब्रांचेस का अगर मिला ले तो 1500 प्लस वीडियो है। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही होंगे, बट इलेक्ट्रिकल में अलग, अकेले इलेक्ट्रिकल में 1350 प्लस वीडियो है, और इस महीने के एंड होते होते ये वीडियोस और ज्यादा ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, आप जब भी देखिए, मैं एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये वाला पेजेस खुलेगा, यहां पर टॉप सेलिंग कोर्सेस आपको नजर आएंगे, और यहां पर आपको चार हिस्से में नजर आएगा, होम पेज, बेचेस, स्टोर, चैट्स और प्रोफाइल। ठीक है, आप स्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो बहुत सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे।
ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपने पेजेस पे जाके, होम पेजेस पे, होम पेज पे जाके फिर स्टोर पे जाएंगे। जैसे स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ईसी ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, एसएससी जेई का कोई कोर्स चाहिए आपको, तो अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच को आपको सिलेक्ट करना है, उस ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने रेंडमली एक क्लिक ले लिया है जिसमें स्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउनलोड करने के बाद पूछते हैं कि सर लेक्चर कहां है, तो आपको स्टोर सेक्शन में जाना है और वन बाय वन सारे आपको अंदर डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, फोल्डर भी बने हुए हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स के सब्जेक्ट्स हैं, कितने वीडियोस हैं, सब इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए जब यहां पर आप क्लिक करेंगे, ये जो यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे इस वाली थ्री बार्स पे, जो थ्री बार्स है यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शंस नजर आएंगे। अच्छा, आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर डाउनलोड करने के बाद भी इंटरनेट मांगता है। नहीं, आप डाउनलोड करने के बाद सेम लोकेशन पर जाके प्ले नहीं करना वीडियो को। ठीक है, आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद ये थ्री बार्स पे सिलेक्ट करना है, ये जो थ्री बार्स नजर आ रहा है इस पे सिलेक्ट करना है, तो यहां से ये ऑफलाइन डाउनलोड्स, ऑफलाइन डाउनलोड्स आएगा, इस ऑफलाइन डाउनलोड्स में जाइएगा तो जितने भी आपने वीडियो डाउनलोड करे वो उस लिस्ट में आ जाएंगे। और प्लीज मेरा एक आपको सजेशन है कि डाउनलोड बहुत बल्क में मत करा करो, आप 5-10-15 वीडियो डाउनलोड करो फिर उसको देखो, देन डिलीट कर दो, क्योंकि वो डाउनलोड जो भी होगा वो इंटरनल मेमोरी में होगा, तो अननेसेसरी मेमोरी अगर फुल होगी इंटरनल मेमोरी तो प्रोसेसर स्लो होगा। ठीक है, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि डाउनलोड, क्योंकि वीडियो आपके पास हमेशा है, आपको डाउनलोड नहीं करना, अगर आपको ऐसे भी सुनना और इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक है आपका तो आप वहां पे सेटिंग चेंज करके 406 पिक्सल पे अगर सुनेंगे, 406 पिक्सल पे भी आप वीडियोस को सुनेंगे तो कंफर्टेबली बिना डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सुन भी रहेंगे होंगे। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे सर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, हाँ इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, कम ज्यादा होता रहता है ना, आपका कनेक्शन कितना भी बड़ा हो बट कई बार एक कंटिन्यूअस क्या बोल सकते, कंटिन्यूटी नहीं होती इंटरनेट में। ठीक है, कई बार डिसकंटिन्यूटी होने के कारण हो सकता है कि वीडियो कहीं ना कहीं प्ले नहीं हो रहे होंगे, बट बहुत ही रेयर होता है। और हाँ, एप्लीकेशन जब मेंटेनेंस पे, क्योंकि इंडियन रेलवे का जिस तरीके से मेंटेनेंस होता है, किसी भी वेबसाइट का जो मेंटेनेंस होता है वैसे ही जी सेंट्रिक ऐप का भी 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन में एक आध दो घंटे के लिए मेंटेनेंस पे ऐप होती है। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में अगर नहीं चले तो समझ जाइएगा कि मेंटेनेंस पे है। ठीक है, और आपको क्या है, एक चैट बॉक्स में, जैसे ही चैट बॉक्स पे जाएंगे आप, चैट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको चैट, ये जी सेंट्रिक का जो चैट बॉक्स है इसमें अंदर जाके आप चैट कर सकते हैं, अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, जनरल डाउट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास, एंड में बता दूंगा मैं व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, और वीडियो रिलेटेड डाउट्स आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और ये चैट बॉक्स का जो डाउट है डायरेक्टली रिस्पेक्टिव फैकल्टी को जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मैंने बता दिया आपको ओवरव्यू एक जी सेंट्रिक एप्लीकेशन का, जो लोग यूज कर रहे हैं अपने दोस्तों को भी प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें, और जिसको नहीं आता है, जो पहली बार सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जो प्राइजेस है जी सेंट्रिक पे, जो पहले अनाउंसमेंट में हम लोग चल रहे हैं, जो प्राइजेस है हमारी, वो प्राइजेस किस किस कैटेगरी में, प्राइजेस का जो कैटेगरी हमारे पास 199 में तकरीबन 7 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, सब्जेक्ट्स गेट रिलेटेड जो भी है वो 7 सब्जेक्ट अवेलेबल है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 199 इच, है ना, ऐसा नहीं कि सर 7 सब्जेक्ट दे दो। हाँ, अगर आप 5 या 6 सब्जेक्ट का एक कॉम्बो, बेसिक कॉम्बो पैक खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस तकरीबन मैंने यहाँ लिख नहीं रखा है, वो कुछ 1200 के समथिंग है। ठीक है, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इन 4 या 5 या 6 सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेते हैं तो 1226 रुपये में आपको पड़ेगा। ठीक है, एक साथ अगर खरीदते हैं और वन बाय वन खरीदते हैं तो भी 199 में बहुत ही सस्ता, 200 रुपये में आज की तारीख में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो अपने बर्थडे पार्टी में, कम से कम अगर वो बर्थडे पार्टी बड़ी नहीं करना चाहता, छोटी बर्थडे पार्टी भी, समोसे वाली पार्टी भी करेगा तो 200 रुपये से ज़्यादा की हो जाएगी, और हम लोग 200 रुपये में, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 200 रुपये में सर पता नहीं सब्जेक्ट का क्वालिटी कैसा क्या रहेगा, तो ये 199 रुपये पे करने से भी पहले आप यूट्यूब पे पूरे डेमो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद 199 का परचेस करना है। ये सिर्फ एक सपोर्ट प्राइस है, हमारे पास नहीं आता है, सारा मेंटेनेंस और सब में चले जाता है, सिर्फ सपोर्ट के लिए ही है। ठीक है, तो सपोर्ट प्राइस पे, ताकि हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेज की जो दुर्दशा हुई है वो कहीं ना कहीं नहीं हो, कम से कम जो इंजीनियर 4 साल करने, कोई डिग्री करने के बाद उससे कोई ये नहीं पूछना चाहिए कि यार आपको, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और आपको ये बेसिक्स भी नहीं आता है, कोई ये किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो गेट की तैयारी करे चाहे नहीं करे, कम से कम उसके इंजीनियरिंग में अगर उसने एडमिशन लिया तो सोच समझ के लिया होगा, तो 4 साल कम से कम जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है किसी भी ब्रांच से, तो उसके कुछ सब्जेक्ट्स तो अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि
आपका बीटेक अगर आपकी डिग्री पे है तो आपसे पूरी जहां पर भी जाएंगे आप तो हमेशा इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ नॉट ओनली कि गेट, आपको अगर अपना इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करना, टेक्निकल स्ट्रीम के सब्जेक्ट ही अच्छा करना, तो भी इसीलिए 199 में हमने रखा है। और असम हो, त्रिपुरा हो, बिहार हो, बंगाल हो, बहुत जगह से बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे मैसेज आते हैं, सर हमारे पास कोचिंग्स अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। और ये आने के बाद हम लोग कम से कम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, किसी थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट 40,000, 20,000, 30,000 फीस नहीं भर सकता, ठीक है। तो उसको एक छोटे से जो लास्ट रो में खड़ा है आदमी है वहां तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए, यही लक्ष्य था हमारा। और इसी को लेके हम लोग जी सेंट्रिक पे आए थे, ठीक है। आपको याद होगा ओल्ड वीडियो जब मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किया था, और ऑलरेडी एक्चुअली हमारा पहले जो टारगेट था वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको फ्री देना था यूट्यूब पे, बट बहुत सारे बच्चे डाउनलोड्स कर लेते थे उन वीडियोस को, पायरेटेड बना देते थे, इस वजह से हमें बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब से हटा के एप्लीकेशन पर डाला और सिर्फ सपोर्ट प्राइस में हम लोगों ने रखा है उसको, ठीक है गाइस। बाकी आपको पता है क्या है सारा चीज, जो जिस सेंटर से शुरुआत से जुड़े उनको पता होगा सारा जर्नी, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स हमारी 299 की कैटेगरी में, 499 में भी कुछ सब्जेक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। ये 299 में एसएससी जेई बेस्ड एक टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत ही अच्छी है, और 899 वाला कोर्स बहुत ही प्यारा है, जिसको गेट का एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करना और सिर्फ अपने सारे सब्जेक्ट्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करना है कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये इसमें 1000 एमसीक्यू है। 899 में 1000 एमसीक्यू है। ये एसएससी जेई या जो भी आपकी जेई रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स की अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है तो वो ये वाला कोर्स ले सकता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये वाला कोर्स, ठीक है, 899 में। तो जो एनएलसी की तैयारी, एसएससी जेई या जो भी स्टेट का जेई एग्जाम का है, तो उसमें जाके आप डेमो लेक्चर्स देख लीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन भी मिलेंगे और 1000 एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के साथ कवर किए हैं, और तकरीबन 10-12 सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो एक कोर्स बना दिया था हम लोगों ने स्टूडेंट डिमांड पे। बाकी कोर्सेज कुछ है हमारे 199 की कैटेगरी में अवेलेबल है, कुछ 2199 की अवेलेबल है, कुछ 2699 के कैटेगरी में अवेलेबल है। और 2699 में जैसा जिसका जिस सब्जेक्ट का जैसा वेटेज, जैसे वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस, जैसा उसका स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से प्राइसिंग हम लोगों ने सेट करी हुई है, ठीक है। तो आप स्टोर सेक्शन में, एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाके इस प्राइस को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का क्या प्राइस है, सब कुछ आपको स्टोर सेक्शन में गिवन है, मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग, सेकेंड अनाउंसमेंट, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। कम्युनिकेशन ईसी ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एक लास्ट सब्जेक्ट बाकी है जो कि बहुत दिनों से अवेटेड था ईसी ब्रांच के लिए। सर सिर्फ और सिर्फ लास्ट, बाकी सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ एक जो भी है रनिंग कंडीशन में, लाइक सिग्नल एंड सिस्टम, वो भी आपका एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते में खत्म हो जाना है। तो ईसी ब्रांच का लास्ट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, जो कि अनंत सर लेके आ रहे हैं। अनंत सर से जो ईएमएफटी पढ़ लिया ना, डेमो लेक्चर आप बाकी देखिएगा एक बार ईएमएफटी के, और उन्होंने क्या जबरदस्त तरीके से पढ़ाया, क्योंकि 12th क्लास का भी बच्चा, हम लोगों ने जब सर जुड़े थे हमसे, क्योंकि बहुत दिनों तक इनका हमको टाइम नहीं मिला था, डेट नहीं मिली थी, तो सर से हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट था कि सर हम लोगों ने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया ये मान के पढ़ाए कि जीरो से, बिल्कुल जीरो से, मेरे नेटवर्क के लेक्चर देखे होंगे आपने, तो हम लोग ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, तो सब कुछ हमें, चाहे बच्चे को आता हो चाहे नहीं आता हो, हमें जीरो से पढ़ाना है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसका स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं रहा हो, ठीक है। तो पुराने चीज को लेके वो आज के कंपटीशन में कहीं लैग नहीं करना चाहिए, इसी वजह से सर को बोला है कि ईएमएफटी में ईसी ब्रांच वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ईएमएफटी, इसलिए वहां पर क्वेश्चन भी आई थिंक 250-350 क्वेश्चन के आसपास पहुंचेंगे, ठीक है। और अभी अपलोडिंग हो रहा है उसका भी एक हफ्ते में पूरा खत्म हो जाएगा ईएमएफटी। और कम्युनिकेशन कब आ रहा है, कम्युनिकेशन प्राइसिंग आपको पता है, ऑफर प्राइस, जी सेंट्री पे कोई बार्गेनिंग नहीं होता, कुछ भी एडिशनल डिस्काउंट नहीं होता है, सिंपली हम लोग वन डे का ऑफर रखते हैं, जो भी हमारा वन डे के दिन खरीदते हैं, और वो ऑफर है हमारा, टाइमिंग जो है 8 AM से 8 PM, 12 घंटे के लिए ऑफर प्राइस रहेगा 1799 ऑफर प्राइस 15 अगस्त, डेट याद रख लीजिएगा 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक 1799 में कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी जानकारी आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों का कंसर्न होगा सर डेमो लेक्चर भी तो दीजिए, तो इसमें उस दिन जब 15 अगस्त को आप खोलोगे तो 12 घंटे के लिए आप कम से कम 8-10 वीडियो डेमो पर्पस के लिए डले रहेंगे, जो कि पहले से जो जी सेंट्रिक पेड यूजर है उनको पता है कि किस तरीके से हम लोग कोर्स लॉन्च करते हैं और धीरे धीरे उसमें अपलोड करते हैं, ठीक है। और ऑफर के बाद इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा आफ्टर ऑफर, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना, बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं सर, आपको पता है ऑलरेडी ईएमएफटी में बहुत ही ज्यादा अच्छे से सर ने सब कुछ कवर किया है,
ठीक है। और प्लीज घबराए नहीं नए सिलेबस को लेके, हम लोग जितने भी कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उसमें भी मेंशन कर देंगे, हटाएंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी काम आ जाए, इसलिए वहां पे मेंशन कर देंगे कि सिलेबस में कौन सा है कौन सा नहीं, कौन सी ब्रांच में क्या सिलेबस है क्या नहीं है, सब कुछ फोल्डर के अंदर मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए तो सेकंड अनाउंसमेंट हो गया हमारा कम्युनिकेशन का। थर्ड बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए दो सब्जेक्ट जो ऐड हुए हैं वो भी जी सेंट्रिक पे अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत जल्दी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में दो सब्जेक्ट है, कौन कौन से दो सब्जेक्ट है हमारे इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन तो एक ही सब्जेक्ट हो, इसके अंदर जो दो पार्ट है वो है सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जिसको मैं पूरा कवर करूंगा, जो मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ाए वैसे के वैसे आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इजी पोर्शन है मशीन के। जो सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर थ्री फेस इंडक्शन मोटर ये सबसे इजी पोर्शन है मशीन के। सिंक्रोनस थोड़ा सा टफ होता है, डीसी भी इजी होता है ऐसा। देखिए समझोगे तो हर चीज इजी है, नहीं समझोगे तो छोटी से छोटी चीज भी टफ है, ठीक है। तो इसको भी अब इसका प्राइसिंग को लेकर 15 अगस्त को हमारा टेंटेटिव डेट है, बट इसके लिए फिर भी हम लोग कंफर्म कर देंगे 15 अगस्त को होगा कि नहीं होगा लॉन्च, बट मोस्ट प्रॉब्ली 15 अगस्त को हमारा कोशिश रहेगा अनाउंस कर देंगे, बाकी और नोटिफिकेशन फर्दर आपके पास आ जाएगा। इसकी प्राइसिंग को लेके भी हम लोग अभी डिसाइड करना बाकी है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ऑब्वियस है कि जिस दिन ऑफर रहेगा 15 अगस्त को अगर मान लीजिए लॉन्च होता है तो ऑफर के दिन इसका प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा। और हां एक और चीज, जो लोग भी फुल कोर्स वाले इंस्ट्रूमेंटेशन का ऑलरेडी जिन लोगों ने फुल कोर्स खरीद लिया है हम लोगों से, वो उस दिन बाय मत करना, उनके लिए हम लोग एक स्पेशल प्राइस देंगे, क्योंकि उन्होंने फुल कोर्स खरीदा है। तो फुल कोर्स खरीद के उन लोगों ने हमारे ऊपर फेथ किया है, तो हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनके लिए कुछ करने का, ठीक है। तो जो भी फुल कोर्स यूजर्स है उनके लिए स्पेशल प्राइस उनके लिए अनाउंस होगी, ठीक है। लाइकवाइज इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का भी कोशिश करेंगे 15 अगस्त को ही हो जाए, ठीक है। आप वेट करते रहिए क्या नोटिफिकेशन का, कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिल जाएगा। जी सेंटर का ऐप डाउनलोड करके रखिए, बाकी नोटिफिकेशन यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मशीन भी दोनों सब्जेक्ट अनाउंस होंगे कि नहीं होंगे 15 अगस्त टेंटेटिव डेट से, प्राइसिंग को भी लेके हम लोग जल्दी से डिस्क्लोज कर देंगे सब कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अनाउंसमेंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अनाउंसमेंट क्या है, फोर्थ, बहुत ज्यादा वेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे ये अनाउंस करते टाइम पे, फोर्थ वाला, ठीक है। ये है आपके सामने कोरोना सब्सक्रिप्शन, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेंशन है शुरुआत में इलेक्ट्रिकल, धीरे से ये वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ईसी के लिए भी आएगा और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी आएगा, ठीक है। कोरोना सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे लोग थोड़ा सा बिल्कुल शांति रखिए, समझाता हूं क्या है क्या नहीं है सब कुछ, बहुत सारे क्वेरी होगा इसको लेके, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स 1999 पर मंथ, मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है जी सेंट्रिक ऐप पे। आपको मान लीजिए एक महीने ही सिर्फ और सिर्फ आपको सारे सब्जेक्ट देखना है, मान लीजिए आप किसी और दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या कहीं से और पढ़ लिया आपने, कोई सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट होंगे जिसको मान लेते हैं कि सारे सब्जेक्ट में से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है, तो वो एक महीने के लिए मंथली बेसिस पे ले सकता है सब्सक्रिप्शन, कोरोना सब्सक्रिप्शन। इसका नाम भी क्या रखा है हम लोगों ने, कोरोना सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इस क्राइसिस में बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 199 से अवेलेबल है सारे कोर्सेज, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे कर चुके हैं 30,000, 40,000, 20,000, 25,000, 30,000 पेमेंट दे चुके हैं, उन लोगों के लिए खासा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का था कि सर हमें एक या दो सब्जेक्ट पढ़ना है, तीन सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लाइक बहुत सारे बच्चों का था कि मशीन में सर हमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन पढ़ना है, मशीन में सिर्फ सिंक्रोनस पढ़ना है, तो बहुत सारी ऐसी क्वेरी थी कि सब्जेक्ट का किसी छोटा छोटा पोर्शन का छूटा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर है जिनको ऑलरेडी 2-3 साल हो गए तैयारी करते करते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा छोटा टच चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा टच चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग क्या लेके आए, मंथली स्कीम लेके आए हैं कि एक महीने के लिए आपका जब भी परचेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक तारीख को परचेस करना, जब भी आप परचेस करेंगे उस डेट से लगा के अगले एक महीने तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी अभी एट प्रेजेंट आज की तारीख में 1352 वीडियो अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल फुल कोर्स में, ठीक है, एंड्रॉइड वर्जन में। और उसमें कितने का है वो 999 का जो फुल कोर्स है उसके सारे वीडियो, 999 का जो भी फुल कोर्स आ रहा है जिसमें 1352 वीडियो है, वो सारे के सारे 1352 वीडियो आपको और सारे सब्जेक्ट के आपको पर मंथ 1999 में ही पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत ये प्लान इसलिए भी लेके आए कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई बच्चा है जिसने पूरी तैयारी हो गई, मान लीजिए
गेट की तैयारी, गेट के भी 2 बार पेपर दे दिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और अगले महीने नेक्स्ट मंथ मान लीजिए उसका किसी पीएसयू का एग्जाम होने वाला है, या मान लेते हैं कि उसका कोई पीएसयू का एग्जाम है, पीएसयू का एग्जाम है मान लेते हैं, कोई भी पीएसयू या कोई भी एक स्टेट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या स्टेट का कोई भी एक एग्जाम होने वाला है अगले महीने में, अब वो क्या एक महीने के लिए क्या किसी कोचिंग का कोर्स खरीदेगा, क्या खरीदेगा? तो इसीलिए कि ताकि वो किसी भी महीने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, तो 1 मंथ में 1999 प्राइस देके वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, क्योंकि सारे सब्जेक्ट होंगे, उसे सारे सब्जेक्ट में से कुछ कुछ थोड़ा 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 पोर्शन पढ़ना रहेगा, तो वो अननेसेसरी क्यों 9999 देगा, ठीक है? बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनको 1 साल के लिए पढ़ाई करनी है तो वो 9999 वाला उनके लिए कोर्स बहुत ही अच्छा है। तो बाकी आप डिसाइड करिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमने सारे जितने भी प्राइस पे जितने भी किसी भी कोर्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए जितने भी ट्राई हो सकते हैं वो सब ट्राई हम लोगों ने कर लिया है। 199 में भी अवेलेबल है, 9999 में भी अवेलेबल है, और आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी लेके आ गए हैं ताकि बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा होने वाला है जिनको अननेसेसरी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको 3 महीने में ही सब कुछ पढ़ना है, मान लो होनहार बच्चा है जिसने आधा पढ़ रखा है किसी इंस्टीट्यूट के, क्योंकि देखो क्या हुआ ना कोरोना सिचुएशन में, ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके थे, अब उनके एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ बहुत सारे जगह पे कि कोचिंग्स बंद हो गई। अब कोचिंग्स वालों का भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पेंडेमिक का सिचुएशन है, कोई क्या कर सकता है, बट स्टूडेंट का तो लॉस हो रहा है ना इसमें, कुछ नहीं तो स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मनी दे चुका है। अब जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो वो तो किसी और दूसरी जगह पे पैसा देके पढ़ सकता है, बट मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है और मेहनती बहुत बहुत होनहार बालक है, बहुत ज्यादा पढ़ने में वो तेज है, तो अब उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है, पर मंथ के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से वो 2 महीने 3 महीने का ले सकता है। मान लीजिए अब आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट 2-3 महीने अगर नहीं खुलता है तो आप मंथली बेसिस पे यहां पर अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। आपको लग रहा है किसी मंथ में पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि मान लीजिए इस मंथ में आपके घर में शादी है थोड़ी देर के लिए, या शादी में तो अब तो क्या बहुत सीमित हो गया है, मान लेते तो कोई फेस्टिवल है, कोई शादी, कहीं जाना है आपको, तो अगले 1 महीने आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप उस महीने का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, तो आपका पैसा ही बच जाएगा। मतलब आप तभी पैसा दें जब आप वाकई पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो इससे ये हो जाएगा आपको कि आपका पैसे का जो यूज है वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि पैसा आपके पेरेंट्स बहुत ही मेहनत से कमाते हैं। आई बात समझ में? अब मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने 1 महीने तक 1999 का लिया, सारे सब्जेक्ट देख लिए, उसको जो जो पढ़ना था, और मान लेते हैं उसको नेक्स्ट मंथ पढ़ने का मौका, नेक्स्ट मंथ उसको पढ़ाई नहीं करनी, मान लीजिए कहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम आ गया थोड़ी देर के लिए, या कुछ और हो गया, कोई और इशू आ गया, तो वो अगले महीने नहीं करके उसके नेक्स्ट मंथ वापस से वो 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकता है, ठीक है गाइस? तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। ये एडवांटेज जो मुझे समझ में आए वो मैंने आपको बता दिए, आपको लगे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट डिसएडवांटेज भी इसका मान रहे हो, बट वो लिव इट, जिसको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी कोर्सेज बाकी कैटेगरी नहीं हट रही, जी सेंट्रिक में बाकी कैटेगरी वही है, 199 में ले सकते हैं, हर चीज में ले सकते हैं आप, ठीक है? तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन आपको सारे के सारे सब्जेक्ट खोल के देगा 1 महीने के लिए, तो आप हर मंथ इसका यूज कर सकते हैं, हर मंथ यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन मोड में, ठीक है? आपको लग रहा है कि मुझे गेट का तैयारी मात्र 4 महीने में कंप्लीट करना है, ठीक है? आपके ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं, किसी और कोचिंग से आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, तो आप 2 महीने 3 महीने का प्लान लीजिए और सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है गाइस? तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये कॉन्सेप्ट, और ऐसे बच्चों के लिए जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे, ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी ड्रॉपर थे, ऐसे बच्चे जो किसी पीएसयू में जॉब कर रहे थे और अगले मंथ किसी कोई भी पीएसयू आ जाता है और उसकी एग्जाम की अगर तैयारी करना है, तो उसके लिए बेस्ट प्लान है, ठीक है? तो अभी कल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए लॉन्च हो जाएगा 12 अगस्त से ये, और ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए या 12 अगस्त के इस वीडियो के होने के बाद जब भी आप देख रहे होंगे तो शायद लॉन्च हो चुका होगा, ठीक है? तो आप अपने प्ले स्टोर में जाके जी सेंटर के ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा फोर्थ अनाउंसमेंट था कोरोना सब्सक्रिप्शन, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्लान कैसा लगा, क्योंकि हम बिल्कुल चाहते हैं कि बच्चों के वेलफेयर के लिए जितनी चीजें हो सकती उतना करें हम लोग। और एक और चीज मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग यहाँ पर, मतलब मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी सारे के सारे जो प्राइस है विथ जीएसटी, कोई भी 18% जीएसटी का अलग से चार्ज नहीं ले रहे, जितना भी प्राइसिंग सब कुछ है जीएसटी को इंक्लूड करके है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं जीएसटी के नाम पे, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, सारा का सारा विथ जीएसटी, जीएसटी हम हमारी साइड से देते हैं, ठीक है, आपकी तरफ से। तो हम चाहते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसका प्रिपरेशन का लॉस नहीं होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ो,
और कंटेंट के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 डाउनलोड्स अपने आप में ये शो करते हैं कि कंटेंट किस क्वालिटी का है। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो हम अच्छे टीचर, बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा हमसे तो बेकार टीचर है हम उसके लिए, ठीक है। तो अच्छे बुरे की डेफिनेशन डिपेंड करती है कि बच्चे से जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है गाइस। इतनी सी बात है, हम लोग कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते, और बहुत छोटा सा हमारा प्लेटफॉर्म है उसको सक्सेसफुल बनाने में। एक यूट्यूब पे भी सब्सक्रिप्शन का भी जो रेट है बहुत छोटा रेट है, अगर कंपेयर करें दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो हम बहुत ही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म को लेके एक अफोर्डेबल एजुकेशन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और इस प्रमोशन में कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत साथ रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है ना, उसका रियलाइजेशन हमें हुआ है। धीरे 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 आप सपोर्ट करते गए, हम ऊपर चढ़ते गए, आप सपोर्ट करते रहे, ऊपर चढ़ते रहे, और जैसे जैसे आप सपोर्ट, आपका सपोर्ट बढ़ते जा रहा है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। मुझे पर्सनल तौर पर इतना रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है आपके लिए कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमें 10,000 डाउनलोड करके, या बहुत सारे तकरीबन 6,000 लोग परचेस कर चुके हैं कुछ ना कुछ सब्जेक्ट वहां से, तो ऐसे बच्चों के लिए कम से कम मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। और डेफिनेटली जी सेंटर कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, जो सब्जेक्ट हो चुके, जिन सब्जेक्ट में आपको फील हो भी रहा है ना अभी भी कि कुछ क्वेश्चन कम है कुछ है, तो उसमें भी आप बेफिक्र रहिए। एक बार मेरा मशीन पावर सिस्टम खत्म होने दीजिए, धीरे 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 आपके आपके गेट 21 में जाने से पहले इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपको। मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की नहीं, पूरी टीम से मेरी बात चल रही है, सभी टीम का वही सोचना है कि आपको जितना न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बनाया जाए, जो भी नए चेंजेस है उसके हिसाब से आपको तैयार किया जाए, उतना करेंगे हम लोग, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। बाकी आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहना चाहिए, और बूंद बूंद से जो घड़ा भरा है इससे समुंदर भरना चाहिए, ऐसा सपोर्ट आपसे मैं करने की उम्मीद करता हूं, ठीक है गाइस। इसी के साथ विदा लेता हूं, और लेट्स सेलिब्रेट 10,000 डाउनलोड्स ऑफ जी सेंट्रिक ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, ठीक है। उसके लिए वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।